वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हनी के नाश्ते से, जो कि एकदम मेरे घर में वर्ल्ड फेमस हो गया है। फ्रेंच फ्राई, एयर फ्रायर ना हो गई, मुसीबत हो गई। बस जब मन हो फ्रेंच फ्राई बन जाता है, दैट्स ऑल। तो आज हनी का अलग नाश्ता बनेगा और मेरा नाश्ता अलग बन रहा है। मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी सूजी का, क्योंकि मुझे आलू थोड़ा सा कम पसंद है और मुझे इतना कोई इच्छा भी नहीं थी कि कुछ भी एज सच मैं बनाऊं। तो आज मैं बनाऊंगी आपके साथ एक सिंपल सा इजी चीला, वो सूजी का बनाऊंगी। तो और साथ ही साथ मैं बनाने जा रही हूँ आज राजमा, और राजमा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का होगा। इसमें जो मसाला मैं यूज़ करूँगी वो भी काफ़ी अलग है, जो यहाँ का लोकल नहीं है। ये हम लोग ले आए थे जम्मू से, तो उसकी रेसिपी में मैं शेयर करूँगी। और आज का डिनर काफ़ी सिंपल होने वाला है, सिंपल राइस एंड राजमा। तो उन दोनों की ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं तैयारी कर लेती हूँ अपने आज के नाश्ते की। चलिए ये देखिए, हनी चॉप कर रहे हैं, आलू को स्लाइस कर रहे हैं, और साथ ही चॉपिंग बोर्ड में मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जो मैं अपने नाश्ते के लिए चॉप करूँगी। तो चलिए दिखाते हैं और इसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये राजमा मैंने जो छोटे वाले आते हैं, ये देखिए फूलने के बाद इतना बड़ा हुआ है। ये बहुत छोटे हैं, ये कश्मीरी राजमा है जो हम जम्मू से लाते हैं। तो इसे मैंने सुबह ही भिगो दिया था, इसे भिगाए हुए लगभग हो गया है 5 से 6 घंटे। तो सबसे पहले मैं इसे उबाल लेती हूँ। के लिए मैंने यहाँ पे सारी इन सब्जियों को अच्छे से चॉप कर लिया है। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि ये ऑरेंज वाली गाजर है तो थोड़ी हार्ड होती है। तो सभी सब्जियों को मैंने इकट्ठा कर लिया है बाउल में, और उसमें मैंने डाल दिया है सूजी। यहाँ पे बहुत बड़ा स्पून है, तो लगभग ये टेबल स्पून से 4 से 5 टेबल स्पून सूजी थी, और उसी तरह मैंने मिला दिया है यहाँ पर दही को। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद अब उसकी कंसिस्टेंसी को मैं एडजस्ट करूंगी। और साथ ही मैंने जो प्याज चॉप की है वो राजमा में भी यूज़ कर रही हूं। और यहां पे हनी आ गए थे अपने सॉस के डिप बनाने, जो वो फ्रेंच फ्राई के साथ खाते हैं। इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक। मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाने की इच्छा थी, तो मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला है। मैंने यहाँ पे डाल दिया था पानी, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी को मैं एडजस्ट कर सकूं। और थोड़ा सा पतला ही रखना था मुझे, क्योंकि इसमें जो सूजी है वो अभी पानी को अब्जॉर्ब भी करेगी। और साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया था हरी मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च खाने का, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी मसाला डालने का मेरा इच्छा नहीं थी। और यहाँ पर आप सुनिएगा हनी ने जो सवाल किया है, जरूर से चीले बनाना किसने सिखा था? ये तो हमने बाद में सीखा। दादी से? कुछ से नहीं, दादी सब नहीं बनाते। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने चीले का बैटर बना लिया है, आपको दिख रहा होगा। इसमें गाजर को मैंने ग्रेट करके डाला है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो अभी मैं इसे रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। और ये देखिए, ये है हनी का नाश्ता जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उनका एयर फ्राई में बना हुआ फ्रेंच फ्राई, टोमेटो की डिप, टोमेटो सॉस की डिप विथ सीजनिंग, और ये उनकी कोल्ड कॉफ़ी। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, ये मसाला टिक्की है, और इसका यूज़ मैं करूँगी। ये मसाला पेस्ट है, और इसका यूज़ मैं राजमे में करती हूँ, और ये बहुत थोड़ा सा लगता है। ये देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये पेस्ट है, इसे मैंने कटोरी में डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। जब तक मैं राजमा बॉईल हो रहा है, तब तक मैं ये अच्छी, देख सकते हैं आप। और ये कुकर भी देखिए सीटी दे रहा है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ भी तैयारियाँ कर ली हैं, और राजमा भी ये देखिए बॉईल हो रहा है, सीटी दे रहा है साथ साथ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्याज भी चॉप कर ली है। एक अपडेट, मैंने सोचा तो था कि मैं चीला बनाऊंगी, लेकिन लेकिन ये अपे स्टैंड बाहर ही रखा हुआ है, तो कुकर सीटी दे रहा है एक्चुअली राजमा का। तो मैं इसी में जा रही हूँ वो सूजी के बनाने, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता और मुझे टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। तो मैं फटाफट से इसको बनाती हूँ। एक्चुअली मैं
बाटी चोखा की रेसिपी में भी यूज़ किया था, आपको याद ही होगा। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखिए, जिसमें मैंने अप्पे स्टैंड पर बाटी बनाई थी। तो चलिए मैं फटाफट अप्पे स्टैंड में ही ये हो रहा है तो मैं ढक देती हूँ, तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ राजमा के लिए। ये मैंने लिया है 2 मिर्चें, 1 फूल चक्री और लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा और साथ में ये तेज पत्ता 1 लिया है और ये देखिए ये मसाला तेज जो भिगोया था, देखिए कितना इसका अलग टेक्सचर हो गया है, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अलग दिख रहा है। और ये मैंने 1 प्याज को चॉप कर लिया है और ये इस प्याज को मैं काटूंगी मसाले के लिए। तो चलिए फटाफट मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। मसाला पेस्ट के लिए मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, साथ में मैंने डाल दी है कुछ हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची लीजिएगा। और ये काफ़ी तीखी थी तो मैंने थोड़ी ली है और साथ में मैंने चॉप कर लिया है 1 टमाटर जिसे हम साथ में मिला के पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पेस्ट तैयार है। सो ये देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा अप्पे स्टैंड में बना हुआ सूजी का नाश्ता तैयार है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि हमें आके पूछ रहे थे कि आप बना क्या रहे हो जिसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो चलिए मैं इसे फटाफट खा लेती हूँ और आज मैं इसे ऐसे ही खाने वाली हूँ क्योंकि मेरा कोई भी चटनी खाने का मन नहीं है और फटाफट उसके बाद मैं बनाऊंगी राजमा। तो इसे खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो नाश्ता तो मैंने कर लिया है, मैं आ गई हूँ वापस से किचन में डिनर बनाने। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल और डाल दिए हैं सारे खड़े मसाले और जब ये मसाले हल्के से पक जाते हैं और महकने लगते हैं तब हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई प्याज और अब इस प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करके होने तक फ्राई करना है। और यहाँ पर जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तब मैंने जो राजमा मसाले का पेस्ट पानी में मिक्स किया था उसे मैं डाल दूँगी और यहाँ पर मैं जो पेस्ट है इसी में मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसे मैं शूट करना भूल गई। तो आप उसे अपने हिसाब से और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और जब ये इसमें से ऑयल ऊज आउट होने लगा हल्का हल्का तब मैंने इसमें डाल दिया प्याज टमाटर का पेस्ट को और इसे मैंने अच्छे से मिक्स होने दिया था और उसके बाद मैंने इसे ढक के पकाया था। और जब तक ये पक रहा है तब तक मैं बना लेती हूँ मैं चावल। तो राजमा के साथ वैसे भी चावल ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर मैं पुलाव स्टाइल का चावल बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने मोटे तले के बर्तन में डाल दिया है तेल, शाही ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची और इसे मैं अच्छे से सौते कर लूँगी। और जैसे ही अच्छे सौते हो जाते हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं चावलों को जिसे मैंने 10 से 15 मिनट भिगो दिया था और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि चावल तली से अलग ना होने लगे। और बाद में मैंने डाल दिया है ज़रूरत के अनुसार पानी, यहाँ पे अगर हम गुनगुना पानी लेते हैं तो चावल का टेक्स्चर ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मिला दूँगी चावलों को, उसके बाद मैं इन्हें ढक के रख दूँगी उबाल आने के लिए। तो ढकने से पहले मैंने डाल दिया था उसमें 1 चम्मच नमक और उसके बाद मैंने इसे ढक के पकाया था 1 उबाल आने तक। और उसके बाद इस तरफ जहाँ पे मैं राजमा का मसाला तैयार कर रही थी यहाँ देखिए जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो गया है, उसमें से तेल अलग हो गया है। तो अब ये जो मसाले का पेस्ट है इसे मैं डाल दूँगी उबले हुए राजमा के साथ और ये देखिए राजमा अच्छे से उबल गया था और उसमें अच्छे से पानी की क्वांटिटी है तो मैंने उसमें पानी और ज़्यादा मिक्स नहीं किया था। तो बाकी अगर पानी की क्वांटिटी कम हो तो आप उस हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लीजिएगा। सो ये देखिए फ्रेंड्स राजमा तो हमारा इसमें अच्छे से गल चुका था और अब हमें इसमें सिर्फ सीटी देनी है। तो मैं इसका कर रही हूँ ढक्कन बंद और ये देखिए देखिए चावलों में उबाल आने लगा है, ये आपको दिख रहा है ये एक अच्छा उबाल आ गया है चावलों में। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी तो इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा और परफेक्ट आता है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है घी, अब हम इसे पकाएंगे ढककर।
सो फ्रेंड्स, ये चावल भी बन रहे हैं और राजमा भी बन रहा है यहाँ पे। और ये देखिए मेरे नाश्ते के बर्तन, तो मैंने फटाफट वॉश कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं यहाँ पर बर्तनों को वॉश कर रही थी, उतनी सी देर में मेरा जो रात का डिनर था, सिंपल एंड ईजी राजमा वो और पुलाव, दोनों ही अच्छे से तैयार हो गए थे। तो इन्हें मैं फटाफट वॉश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे आज रात का डिनर, राजमा और चावल, और साथ में है सलाद में प्याज। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।